हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन फूड अयोध्या। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही स्वादिष्ट अरबी के पत्ते के पकोड़े, जिसे हमने कुकर में बनाया है और इतनी आसानी से ये बनकर तैयार हो जाता है कि आप भी ये तरीका ज़रूर अपनाना चाहेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स ज़रूर देखना है, तभी आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। जब काम इतनी आसानी से हो जाए तो क्यों हमें झंझट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे ही आप भी ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये तरीका। तो सबसे पहले अरबी के पत्तों को हमें धो लेना है और धोकर काट लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फटाफट से पत्तों को काट लिया है, जितनी हमें ज़रूरत है उतना पत्ता हमने काट कर तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो ये तरीका आपको फ्रेंड्स बिल्कुल ही नया लगेगा, आप ज़रूर अपनाइएगा। तो पहले हम सारे पत्तों को काट के तैयार कर लेते हैं। तो अब हमें ले लेना है यहाँ पे बेसन। तो हमने बेसन नहीं लिया है, चने की दाल को ही पीस लिया है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो चने की दाल को भिगोकर पानी में उसे भी पीसकर इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब चावल का आटा ले लिया है, तो आधी आधी कटोरी दोनों लिया है, जितना हमने बेसन लिया है उतना ही चावल का आटा भी ले लिया है। इससे बहुत ही क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। अब सूखी लाल मिर्च और हरी मिर्ची, लहसुन, इसे हमने दरदरा सा इसमें कूट कर डाल दिया है। अब हल्दी पाउडर डाल देंगे, उसके बाद 2 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, और कोई भी सब्जी मसाला या फिर चाट मसाला, जो भी आप मसाले इसमें खाते हों डाल सकते हैं। तो हमने डाल दिया है गरम मसाला, ये मिक्स गरम मसाला है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसमें नमक भी डाल दिया है अभी ही, तो टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, जितना आप नमक खाते हो अपने हिसाब से इसमें डाल दीजिएगा। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डालकर बिल्कुल सॉफ्ट, ये देखिए, इस तरीके से हमें डो तैयार करना है। अब इसमें से थोड़ा सा हम लेकर अलग निकाल लेंगे कटोरी में, इसका यूज हम बाद में करेंगे, आप देखिएगा हम कब इसका इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें हम पत्तों को थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और हाथों से इस तरीके से मसल कर मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, बड़ी ही आसानी से मिक्स हो जाता है, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। तो हमने मिक्स कर लिया है, इतना पत्ता हम नहीं बनाएंगे, जितना अच्छे से बैटर में आ गया है उतना ही पत्ता हमने डाला है। अब हमने 2 ग्लास ले लिया है और उसमें थोड़ा सा तेल लगा लिया है। अब इस तरीके से तेल लगाकर आप इसमें मिश्रण को डालिए, जिससे कि बहुत ही आसानी से पकने के बाद निकल आते हैं, ग्लास में चिपकते नहीं हैं। तो दोनों ग्लास में हम पूरा भर देंगे ऊपर तक, थोड़ा सा ही जगह छोड़ेंगे जिससे कि फूले तो बाहर ना आए ग्लास के। अच्छी तरीके से पहले इसमें हम सेट कर देते हैं फ्रेंड्स, तब आपको दिखाते हैं। और ये देखिए, हमने दोनों ग्लास में अच्छे से भर दिया है। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे ग्लास में, 2-3 ग्लास में रख सकते हैं। तो बड़ा ग्लास था तो हमने दोनों में ही रख दिया है और पूरा आ भी गया है। अब इसे कुकर में रख देंगे और इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 ग्लास डालेंगे तब भी काम चल जाएगा। इसमें अच्छे से भाप होनी चाहिए बस। तो हमने लगभग 2 ग्लास पानी डाल दिया है और अब ढक्कन लगाकर कम से कम 3 सीटी आने तक इसे पकाएंगे और तेज आंच में पकाएंगे। बहुत ही जल्दी पक जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल कम समय में ये रेसिपी हमारी तैयार हो जाती है। तो वीडियो बनाना था तो इसलिए आपको दिखाने के लिए वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 7 मिनट की वीडियो बनकर तैयार हुई है। अगर आप ऐसे ही इसे बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं, फटाफट से इसे काटिए, सारी चीज़ों को मिक्स करिए, ग्लास में डालिए और इसे कुकर में रख के 2-3 सीटी आने तक पका लीजिए। अब ये ठंडा हो गया है तो हम इसे ठंडा करेंगे तभी निकालेंगे, नहीं तो ये चिपक जाएगा तो बीच में टूट जाता है। और साइड से चाकू से आप छुड़ा भी सकते हैं किनारों को, लेकिन ये बहुत ही आसानी से निकल गया, हमें छुड़ाना नहीं पड़ा। बस ये ठंडा हो जाए तभी आप निकालिएगा, तो बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। अब इसे हम काट लेंगे तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये पककर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी कमी नहीं है। बीच में भी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है कि कहीं कच्चा हो। तो ये वाला तरीका हमने स्पेशली अपनी नानी जी के लिए अपनाया था, क्योंकि उन्हें शिकायत रहती है कि जब इस तरीके से हम पत्तों को काट कर और डायरेक्ट तेल में रखते हैं और ढक कर पानी के छींटे मार के इसे पकाते हैं, तब कहीं ना कहीं ये कच्चा रह जाता है। उनकी शिकायत रहती थी कि कच्चा ही रह जाता है। तब हमने सोचा कि क्यों ना इस तरीके से बनाया जाए कि उनकी पूरी शिकायत ही दूर हो जाए। तो हमने इतने अच्छे से इसे पकाया है कि शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिला उन्हें। अगर आप चाहें तो ऐसे ही इसे तेल में फ्राई कर सकते हैं,
तो हमने जो थोड़ा सा बैटर रख लिया था, आपने देखा था, जो उसमें सारी चीज़ें मिक्स हैं, मसाला भी मिक्स है, तो अलग से हमें किसी भी चीज़ को मिक्स नहीं करना पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से लगा दीजिए और थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। देखिए कितना कम तेल हमने डाला है और दोनों बैच इतने में ही फ्राई हो जाएगा। तो एक बार में चार ही आएगा, जितना आए उतना डाल देना है। और मीडियम फ्लेम पर उलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इसे पका लेना है। तो इसमें चावल का आटा भी पड़ा हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। और बिल्कुल नया तरीका है फ्रेंड, इसे ज़रूर अपनाइएगा। तो इसे खाकर ना मेरी नानी जी बहुत खुश हुई थी, यानी मेरी नानी सास जी। मैं अपनी नानी सास जी के पास रहती हूँ, मेरे मामा जी नहीं हैं तो इसलिए वहीं रहती हूँ। तो उन्हीं के लिए ऐसी ऐसी रेसिपी मैं ढूंढ के लाती हूँ जिसे उन्हें खाने में भी आसानी हो और हमें बनाने में भी आसानी हो। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना बढ़िया ये बनकर तैयार हुआ है और कितना अच्छा सा कलर आया है। आप इसे ऐसे ही चाय के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए या फिर चावल के साथ खाइए, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको मैं बिल्कुल पास से दिखाती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है, कम समय में और कम सामान से भी, और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ट्रिक ज़रा सा भी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि सब लोग ये तरीका अपना सकें, और गैस की भी बचत होगी इससे, हमारे समय की भी बचत होगी और मेहनत की भी बचत होगी। तीनों चीज़ों को हम बचा सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी अंदर से भी कितने अच्छे से ये पका हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।